और एक चीज़ और, मैं वीडियो जो है इतनी ऊपर से बना रहा हूँ कि मेरे हाथ में दर्द हो चुका है और आप सब लोग सोच रहे होंगे आज बाल कहाँ गए मेरे, तो बाल जो है मैंने बांध रखे हैं क्योंकि क्लाइमेट जो है आज थोड़ा ह्यूमिड है, चिपचिपा सा है, तो बाल बहुत चिपक रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाल बांध के वीडियो बनाते हैं, थोड़ा नया लुक भी हो जाएगा। हर बार बाल खोल के मैंने वीडियो बनाई है। Hey guys, this is my another video and this video is all about who am I, where I live, what are my likes and what are my dislikes and also the things I would like to do in my real life. I am Setu और मेरे YouTube चैनल का नाम है Setu's Miracle. काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैनल का नाम क्या है और उसका मतलब क्या होता है, और अगर किसी को, मेरे ख्याल से दो तीन लोगों को समझ में नहीं आया है, मेरे से दो तीन लोगों ने कॉन्टैक्ट करा है कि भाई इसमें नाम में Miracle का मतलब क्या है, तो सेतु तो मेरे नाम के अकॉर्डिंग है, वो तो आपको पता ही है। अब बात आई Miracle की, तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने क्वेश्चन मेरे से करा है वो शायद कन्फ्यूज्ड हैं कि Miracle का मतलब आखिर है क्या, और उसमें से एक आध बंदा ऐसा भी है जिसको Miracle का मतलब तो पता है पर वो ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि तुमने Miracle ही क्यों रखा। तो Miracle मैंने इसलिए रखा क्योंकि किसी भी आम आदमी के साथ लाइफ में जो भी अच्छा बुरा होता है वो शायद उसको सोशलाइज नहीं करता वीडियो के तौर पर, फ़ोटो तो उसकी वो ज़रूर खींचता है, उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड करता है, थोड़े बहुत टाइम बाद वो डिलीट हो जाती है डेफिनेटली, फ़ोटो चाहे लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर है कहीं से भी हो। तो मैंने सोचा कि इस बार वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो तो मैं भी हमेशा से खींचता था, डिलीट हो जाती थी थोड़े बहुत टाइम बाद, बोर हो जाते थे देखते देखते, तो इस बार सोचा कुछ नया करते हैं। तो नया यही है भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है वीडियो बनाना, मेरे को नहीं पता था मैं कैमरा कॉन्शियस था या नहीं, बट स्टिल पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया है और मेरे ख्याल से मेरी छठी सातवीं खुद की मेरी वीडियो है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है, अचीवमेंट है, दैट्स वाई मैंने उसका नाम Miracle रखा है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने उसका नाम Miracle ही क्यों रखा। तो अब आते हैं व्हाट आर माय लाइक्स। मेरी लाइक्स जो हैं शायद आप सबकी भी होंगी, आई वुड लाइक टू ट्रैवल एज मोर एज आई कैन, और मैंने बहुत सारी मेजर सिटीज़ अपने इंडिया की अभी तक ट्रैवल करी हैं, मोस्टली बाय रोड ही करी हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बस बहुत ज़्यादा करी हैं और बाय कार भी करी हैं, बाय बाइक नहीं करी मैंने उतनी, बट बाय बस मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिप्स करी हैं। काफ़ी सारे इंडिया के मेजर सिटीज़ मैंने घूम रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, शिलोंग, इंदौर, भोपाल, देहरादून, एक्सेट्रा। मैं अपनी इंडिया के जो भी धार्मिक एरियाज़ हैं, धार्मिक प्लेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा घूम रखे हैं, थोड़े बहुत 10-20% ही शायद बचे होंगे जो मैंने नहीं घूमे। मैं 2011 से ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है मेरे को, मैं हर 5 या 6 महीने में बाहर चला जाता हूँ 10-12 दिन के लिए कम से कम, 2-3 बार मैं 1-1 महीने के लिए भी गया हूँ और मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा, बट उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं फ्यूचर में यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और वीडियोस अपलोड करूंगा, सो दैट्स व्हाई मेरे को वो सब कुछ फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि आप सबको दिखाना है, और पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हो सका, सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ खींची, जो वीडियोज़ थी वो मेरे कंप्यूटर में थी बट कंप्यूटर शायद ख़राब हो गया और इसलिए वो सब कुछ डिलीट हो गया। एंड मैं अब्रॉड भी गया हूँ, अब अब्रॉड जो है उसको आप अब्रॉड पता नहीं समझोगे या नहीं, मैं नेपाल गया हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे से पूछते हैं कि भाई अब्रॉड गए हो, तो मैं बताता हूँ कि भाई मैं नेपाल गया था, तो वो कहते हैं यार गोरखपुर और महेंद्रनगर के बॉर्डर तक तो हम भी गए हैं, वो भी शायद उनके लिए एक अब्रॉड ही है, बट मैं अब्रॉड ठीक ठाक तरीके से गया हूँ क्योंकि जो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वो 700 या 750 किलोमीटर महेंद्रनगर से है जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है गोरखपुर वाली साइड से, तो मैं वहाँ तक घूम चुका हूँ। उसके 2-3 आसपास जो नियर बाई सिटीज़ हैं काठमांडू के मैंने वो भी देखे हैं, बट अब मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि 2012 में गया था मैं शायद नेपाल की साइड, तो मेरे को ध्यान नहीं, बट जैसा मैंने काठमांडू के बारे में सुना था काफ़ी हद तक काठमांडू बिल्कुल वैसा ही है। अब आप लोग मेरे से ये मत पूछना कि मैंने किस तरीके से काठमांडू के बारे में सुना था, अच्छा या बहुत अच्छा या बुरा, बट मैंने जैसा जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही मैंने वहाँ पाया, और बहुत अच्छा सिटी है। और जब अर्थक्वेक आया था अभी थोड़े टाइम पहले, मैं उससे पहले गया था, बट अब अर्थक्वेक के बाद उसकी क्या लोकेशन सिचुएशन है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा खूबसूरत ना हो वो शहर, बट बहुत अच्छा एक हिल स्टेशन आप कह सकते हो। मैं बहुत सारी लोकेशंस हैं, 2-3 मैंने उसके कॉम्प्लेक्स घूमे,
और एक चीज़ और, वहाँ की जो नेम प्लेट होती है कार पे और बाइक पे वो रेड इन कलर होती है, और वहाँ की हिंदी होती होगी संस्कृत होती होगी, मेरे को नहीं पता वो क्या है, पर वो है हिंदी की जैसी ही राइटिंग, तो रेड नंबर प्लेट पे वो वाइट नंबर्स होते हैं। और मैंने कल ही मुरादाबाद में एक नेपाल की फोर्ड इको स्पोर्ट देखी, तो मुझे वो सारे दिन याद आ गए जो मैंने वहाँ काठमांडू में स्पेंड करे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद माई फैमिली, फ्रेंड्स के साथ मैं कम घूमता हूँ क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ खुद की होती है, फिर दूसरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। घूमने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर ही ज़िम्मेदारी होती है हमारी, और हम सिर्फ मज़े लेते हैं अगर पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मतलब कोई भी बच्चे या मैं खुद जाता हूँ तो मैं मज़े लेता हूँ, बट जब मैं अकेला जाता हूँ सिर्फ अकेला सोलो, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया एक्सपीरियंस मैंने शायद अब तक नहीं करा। मैं दिल्ली से भोपाल देन इंदौर में गया हूँ अकेला, और दो तीन बार जा चुका हूँ, बट उससे ज़्यादा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बेटर नहीं होगा। पर मैंने काफ़ी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है अगर ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ सोलो ही करें, तो लोग कहते हैं अरे भाई पागल है क्या। मैं कहता है कम से कम यार एक जना तो हो, कम से कम फ़ोटो तो खींच ले, कहाँ तक तुम सेल्फी लोगे। बट जो आदमी अकेले और ख़ुद एक्सपीरियंस कर सकता है वो शायद फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी पार्टनर के साथ नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से मैं पसंद करूँगा अकेला घूमना, पर वो कभी कभार होता है सिर्फ, क्योंकि हर लोकेशन पे तुम अकेले नहीं घूम सकते, बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। और मैंने इंडिया के मेरे ख्याल से ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स पूरे पूरे घूम लिए हैं, पूरे पूरे का मतलब ये नहीं कि एक एक गली, बट जो जो मेजर मेन पॉइंट्स थे वो मैंने घूम लिए हैं, आप उसको मंदिर के तौर पर कह लो या फिर सिटी कह लो, मॉन्यूमेंट्स कह लो, वो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी ज़्यादा घूम रखे हैं। गोवा जा चुका हूँ, कन्याकुमारी जा चुका हूँ, जम्मू तक जा चुका हूँ, बट कश्मीर इज़ लेफ्ट, और अभी चारधाम की यात्रा करी है, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वहाँ पे, और अब तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रैकिंग जो करी है मैंने केदारनाथ की करी है, उससे फिर सेकेंड पोजिशन पर है यमुनोत्री, और उसके बाद ऐसी कहीं मैंने ट्रैकिंग नहीं करी जितनी यहाँ करी है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली ट्रैकिंग शायद है क्योंकि केदारनाथ पे आप एक्सपीरियंस एक ही दिन में इतने सारे मौसम, इतने सारे कलर, हर तरीके की चीज़ इतनी जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हो कि शायद और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ धूप निकलती है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, ठंड होती है तो टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, बारिश होती है वो कंट्रोल नहीं होती, ओले पड़ जाते हैं उसे आम आदमी से सहन नहीं होते, एंड बर्फ़ तो पड़ती ही है, चारों तरफ बर्फ़ के ही पहाड़ हैं, लैंडस्लाइड होती है। मेरे सामने इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, दो तीन डेड बॉडीज़ भी जा रही थी जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस करा। मौसम मैं पूरे एक साल में देखता हूँ, वो मैंने एक दिन के अंदर इतना एक्सपीरियंस कर लिया, इतना कुछ देख लिया, तो वहाँ जाना उतना सेफ़ नहीं है, पर भगवान का मंदिर है तो जाना तो पड़ता ही है। मैंने सोचा है कि मैं चाइना जाऊँगा, बस एक दिल ही तमन्ना है चाइना जाना, तो अगर भाई फर्स्ट एब्रॉड ट्रिप होगी तो मैं डेफ़िनेटली चाइना को ही प्रेफर करूँगा, और मैं खुद जाऊँगा और फैमिली के साथ ही जाऊँगा। सो मेरे जो डिसलाइक्स हैं मैं ट्रैवलिंग मोड पे ही आपको ज़्यादा बेहतर समझूँगा शेयर करना, तो या उस लोकेशन पे ज़रूर हो जाते हैं या उसमें उस लोकेशन को डिसलाइक करता हूँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, मैं थोड़ा सा भीड़ से बचता हूँ क्योंकि भीड़ में शायद अक्सर हम खो से जाते हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाती, ठीक से नहीं देख पाते, तो इसलिए मेरे को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है ऑन अ ट्रैवलिंग या ट्रिप के टाइम पे। बट हाँ, जो लोकेशन होती हैं ऐसी जहाँ भीड़ नहीं होती तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स भी ले लेता हूँ। बट जहाँ भीड़ में होता तो मैं सिर्फ सोचता हूँ कि कैसे भी करके बस बाहर निकलूँ इस भीड़ से, ये भीड़ या तो मेरे से दूर हो जाए या मैं इससे दूर हो जाऊँ। And I hope you like this video, so please share, subscribe, and like. Bye-bye. I'll get back to you in the next video.